गुजरात में कच्चे मालों की आवक काफी घटने के कारण मूंगफली तेल के प्लांटों में उत्पादन कमजोर दिखाई देने लगा है। इस वजह से ज्यादातर प्लांट कीमतें लगातार बढ़ाकर बोल रहे हैं और इसका असर इंदौर मार्केट पर भी देखने को मिला है। मूंगफली तेल की आवक बेहद कमजोर रहने से गुरुवार को इंदौर मूंगफली तेल 30 रुपए बढ़कर 1570 से 90 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। दूसरी ओर उत्पादन में गिरावट और शिकागो सोया तेल में तेजी से केएलसी में भी मजबूती देखने को मिली है। मलेशिया मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। अगर ऐसा होता है तो मलेशिया में पाम का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और केएलसी में और भी तेजी आ सकती है। हालांकि मौजूदा सप्लाई डिमांड को देखते हुए केएलसी के फंडामेंटल स्थिर नजर आ रहे हैं। वहीं ठंड के मौसम में डिमांड कमजोर रहने से सोया तेल में बड़ी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए व्यापारी पाम तेल में जरूरत अनुसार रेडी कारोबार ही कर रहे हैं। वहीं इंदौर पाम तेल 993 रुपए प्रति 10 किलो पर देखने को मिला है, तो वहीं अगर मंडी की बात की जाए तो छावनी मंडी में सोयाबीन 5500 से 5550 और एवरेज 4800 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बाकी टाइम्स टीवी।